रखी, संगठन की बातें रखी, सरकार के काम कामकाज की बात रखी, सरकार के जो फैसले हुए हैं 4.5 साल से जो हमारी सरकार पारित कर रही है, लोगों में जो एक उत्साह है कि जो स्कीम जो राहुल जी ने पिछले चुनाव में लोगों को न्याय दिलाने की बात की थी, जगह जगह पर गए थे, उन सब बातों को किस तरह से सरकार ने लागू किया है, बल्कि और आगे जाकर बहुत से कार्य हुए हैं जो हर एक नागरिक को उसके जीवन में, उसके जीवन स्तर में बेहतरी लाए, ये सब बातें हैं वो वहाँ पर रखी गई। संगठन की ओर से हमारे पीसीसी अध्यक्ष जी ने सारी बातें बताई, रूपरेखा रखी और आगे के लिए हम क्या कर रहे हैं, पार्टी अभियान प्रोग्राम जो चल रहे हैं और आगे हम करेंगे चुनाव तक, वो बातें वहाँ पर रखी हैं। मंत्रियों ने और नेताओं ने जहाँ सरकार की भी बात कही, वहाँ पर सुझाव भी दिए, सामाजिक बातें भी कही गई। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो आज भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से कार्य है, टोटल नेगेटिव जो उनका काम है, धर्म के नाम पर है, जातियों के नाम पर है, उन सब बातों को वहाँ पर डिस्कस किया गया। सचिवों ने अपने अपने क्षेत्र की रिपोर्ट दी। कुल मिलाकर सबने यही बात कही कि मिलकर सब काम करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि जब सरकार होती है, और ये स्वाभाविक बात है, आप इसको कतई नेगेटिव नहीं, मैं ओपनली कह रही हूँ, हमेशा होता है, जब सरकार बनती है तो उम्मीदें सरकार से ज्यादा होती हैं। तो वर्कर भी, पार्टी के लोग भी सरकार से उम्मीद लगाते हैं। तो ये सारी बातें वहाँ पर हुई कि हमने जो उम्मीदें थी उन पर हमने कार्य किया है। अभी हमारे सम्मेलन भी चल रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहे हैं, बूथ की ओर भी जा रहे हैं, तो उसमें दोनों बातें लेकर हमारे वर्कर जा रहे हैं, एक ओर सरकार की उपलब्धियां, दूसरी ओर हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो हमें उनकी रहनुमाई, उनकी डायरेक्शन, उनकी गाइडेंस मिलती है, तीसरा भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक विचारधारा, उनकी नकारात्मक सोच, और कांग्रेस पार्टी की अपनी विचारधारा जो लोगों के जोड़ने की बात है, जो राहुल जी हमेशा बोलते हैं कि लोगों को जोड़ना, मोहब्बत से जोड़ना, प्रेम सद्भाव से जोड़ना, सब लोगों ने यही बात कही कि हम सब, जैसे पिछली बार चुनाव में, उस समय हम निसंदेह ऑपोजिशन में थे, जिस तरह से उस समय मिलकर हमने चुनाव लड़ा, इस बार फिर उसी जज्बे के साथ सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अध्यक्ष जी ने, माननीय खारगे जी ने अपने अनुभव के साथ हमारा मार्गदर्शन किया और उन्होंने बताया भी हमको कि आप इस तरह से चलिए आगे, और सबको उन्होंने, क्योंकि वो पहले भी इन्वॉल्व रहे हैं छत्तीसगढ़ से, तो सब बातों को समझते हुए उन्होंने पूरी बात कही कि आज के दिन हमारे पास जो संविधान है, हमारे लिए वो सर्वोपरि है, देश के लिए सर्वोपरि है, सारे समाज के लिए सर्वोपरि है, हर नागरिक के लिए सर्वोपरि है, अपने संविधान को हमने अपहोल्ड। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई है। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल रहे, कुमारी शैलजा और मंत्री टीएस सिंहदेव भी बैठक में मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर इसमें चर्चा की गई है। आपको बता दें दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बैठक चल रही थी जो अब खत्म हो चुकी है। आपको बता दें सीएम भूपेश बघेल भी इस बैठक में मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर इस बैठक में चर्चा की गई है। बार जिस तरह से उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक एक नेता के साथ उनका संबंध रहा और सबको गाइड किया, और व्यापक रूप से उन्होंने छत्तीसगढ़ में दौरे किए थे, तो
तो उसका उनके अनुभव का आज हमें उन्होंने जो हमें गाइड किया सबको अच्छे तरह से व्यक्तिगत रूप से जानते हुए और सबकी बात को समझते हुए राहुल जी ने आगे के लिए भी कि सब हम मिलकर समाज के सभी वर्गों को, उनका भी यही था कि सभी वर्गों को हमने साथ लेकर चलना है और भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में हम कभी नहीं फंस सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ट्रैप जो है वो शॉर्ट टर्म है और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो इन सब बातों से ऊपर है, ऐतिहासिक रूप से भी और आगे आने वाले भविष्य के लिए भी हमारी विचारधारा है जो देश को समाज को आगे रखती है। और हमारी गाइडिंग फोर्स जो है कांग्रेस पार्टी की या हमारी किसी भी सरकार की, वो हमारी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। तो हमने वेणुगोपाल जी ने भी सबकी बातें समाप्त भी की और सबसे बातचीत, और हमारे सभी नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, सबको अवगत कराया है बहुत अच्छे ढंग से। मैं तो कहूंगी कि जो हमारी जिस प्रकार से मीटिंग हुई, एक सबने सकारात्मक रुख अपनाकर और सुझाव दिए कि अगले 4 महीनों में हम काम करेंगे, कैसे करेंगे अपने अपने क्षेत्र में जिसका जहां प्रभाव है, चाहे सामाजिक रूप से चाहे भौगोलिक रूप से, जिस तरह से भी सब कंट्रीब्यूट करके हम पार्टी को फिर से जिताकर मजबूती से अपनी सरकार फिर से बनाएंगे। लबो लबाब यही था हमारी मीटिंग का और बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुई। हम शुक्रगुजार हैं अपने शीर्ष नेतृत्व के कि उन्होंने हम सबको इतना समय दिया और सबकी बात सुनी, बड़े इत्मीनान से बात सुनी और हमारा गाइडेंस किया। बस आपको बता दें, दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बैठक खत्म हुई है। बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बैठक हुई है। आपको बता दें, कुमारी शैलजा और मंत्री टीएस सिंहदेव भी यहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें, चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है, मंथन हुआ है इस बैठक में। आपको बता दें, और कई प्रकार की चर्चाएं की गई हैं छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर। कांग्रेस की बड़ी बैठक थी दिल्ली में आज, जो अब खत्म हो चुकी है, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहे, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी इस बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें, दिल्ली में यह बैठक रखी गई थी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की यह बैठक थी जो अब खत्म हो चुकी है।